हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र कोल्हापुर का डिग्री सर्टिफिकेट पे सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका होता है। कभी भी अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल कॉन्वोकेशन चाहिए होता है, कोई भी हो, जैसे नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद, इन सब यूनिवर्सिटी का अटेस्टेशन का सेम प्रोसेस है। सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी और मुंबई के बाहर का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी एचआरडी प्रोसेस में डिफरेंट है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो मुंबई इस पे भी महाराष्ट्र का एचआरडी का सेम है प्रोसेस, लेकिन वेरिफिकेशन आजकल मुंबई में ऑनलाइन हुआ है और बाकी जो महाराष्ट्र के जो यूनिवर्सिटीज है उनमें ऑफलाइन है। मतलब वो डायरेक्ट बैक साइड पे स्टैम्प मार के वेरीफाई करके साइन करके देते हैं। मुंबई में अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन का रिसिप्ट आता है, वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो महाराष्ट्र में अभी भी ऑफलाइन वाला ही सिस्टम है। तो इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है मेरे को अटेस्टेशन करने के लिए। ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए होता है और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट का दो दो सेट कलर जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है और आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी चाहिए होता है, दो फोटोग्राफ एचआरडी करने के लिए चाहिए होता है और दो फोटोग्राफ आपका एचआरडी करने के लिए चाहिए होता है और ओरिजिनल ऑफर लेटर, ओरिजिनल सऊदी से आपको एक ओरिजिनल ऑफर लेटर सऊदी चेंबर ऑफ कॉमर्स और मोफा से अटेस्टेड मंगवाना पड़ता है आपको अटेस्टेशन करने के लिए। और आपको एक मैं एफिडेविट बनाऊंगा, वो एफिडेविट पे साइन करके देना पड़ता है। वो एक एफिडेविट में ऐसे लिखा होता है कि आपका ये सर्टिफिकेट फेक या जेन्यून नहीं होगा तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो हम लोग को कल्चर में देने के लिए वो एफिडेविट देना पड़ता है। और कभी भी सऊदी एम्बेसी कभी भी अटेस्टेशन, काफ़ी महाराष्ट्र में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, फिर बाद में डिस्टेंस एजुकेशन है, वो सऊदी एम्बेसी और कतर एम्बेसी अटेस्टेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें आप चाहिए तो ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत कर सकते हैं, लेकिन सऊदी और कतर नहीं कर सकते। सऊदी और कतर में सिर्फ पब्लिक बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज को ही सऊदी और कतर अटेस्टेशन करता है। काफ़ी लोग, मतलब हम लोग से इस चीज़ में काफ़ी कस्टमर बहस करते हैं, कह रहे आपको कुछ पता नहीं है, मेरा बड़ा यूनिवर्सिटी है, ऐसे वैसे, तो ऐसे कुछ नहीं है। तो हम लोग उस बहस में कुछ बोलते नहीं है क्योंकि ये उनका रूल ही है। आपने बड़ा यूनिवर्सिटी, इवन आप मुंबई यूनिवर्सिटी से भी डिस्टेंस से एजुकेशन से पढ़ेंगे तो भी एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं करते हैं क्योंकि उनको रेगुलर रेगुलर यूनिवर्सिटी, रेगुलर कोर्स चाहिए होता है और पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए होता है, तभी उन लोग अटेस्टेशन करते हैं। तो आपको मेरे को अटेस्टेशन के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ता है और उस पर आपका स्टेट में, आपका स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है, मतलब ये शिवाजी यूनिवर्सिटी में आपको जाके विजिट करना पड़ता है और उस पर बैक साइड पे वेरीफाई का स्टैम्प मार के लेके आना पड़ता है। तो और मैंने पहले और एक मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ओल्ड मेरा, मैंने एक वीडियो आप देखेंगे सऊदी का, तो उसमें काफ़ी मतलब किस तरह से ऑफर लेटर किस तरह का होता है सब मैंने सब चीज़ें उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी न्यू रूल आने की वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा, जिसके वजह से अभी आजकल सऊदी अटेस्टेशन के बदले अभी सऊदी अपोस्टाइल भी चल रहा है, तो उसके लिए मेरे को ये नया वीडियो बनाना पड़ा है। तो अभी मैं बताता हूँ उसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया ये कोल्हापुर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, सबसे पहले आपको कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में इसको सबमिट करना पड़ता है। देखो ये कोल्हापुर का शिवाजी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है। देखो यार शिवाजी यूनिवर्सिटी ने स्टैम्प मारा है, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, देखो शिवाजी यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार का स्टैम्प और वेरीफाइड विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ ये वेरीफाई किया हुआ, ऐसा स्टैम्प मार के लाने के बाद में ही फिर मैं एचआरडी प्रोसेस कर सकता हूँ। ये होने के बाद में फिर हम लोग इसको नोटरी में सबमिट करते हैं। सब अटेस्टेशन जो भी मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, अटेस्टेशन करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है नोटरी। तो ये नोटरी सबसे पहले नोटरी करना पड़ता है। ये रबर स्टैम्प देखो, ये नोटरी का रबर स्टैम्प है, एडवोकेट का स्टैम्प और साइन है, ये नोटरी है, देखो यहाँ लिखा है नोटरी के टिकट से, ये नोटरी है और ये रेड वाला नोटरी है। नोटरी में जो मैं हमेशा देखा है हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नोटरी का, तो
तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, काफी जगह पे टिकट नहीं होता, काफी जगह पे रेड वाला नहीं होता, डायरेक्ट रबर स्टैम्प नोटरी होता है, तो नोटरी का कोई इश्यू नहीं होता है। तो ये नोटरी होता है, ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग को होम डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय में सबमिट करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय, तो मंत्रालय में सबमिट करते हैं, तो मंत्रालय में इस तरह का स्टैम्प लगता है और ऑफिसर साइन करता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट, तो ये सबमिट होने के बाद में फिर ये स्टैम्प और साइन होके मिलता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग को HRD में सबमिट करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैम्प है। तो ये देखो ये सऊदी और कतर के लिए कंपल्सरी है, बाकी काफ़ी जैसे कि आप ओमान बहरीन UAE कुवैत जाएंगे तो उसके लिए HRD और ये यूनिवर्सिटी का जो ये वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो MEA बेस पे अटैशन होती है। ये एम्बेसी कतर और सऊदी एम्बेसी ही आपको यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन और ये HRD मांगती है। तो HRD में जब हम सबमिट करते हैं, देखो ये HRD का एड्रेस लिखा हुआ है कहाँ HRD होता है महाराष्ट्र में, ये होम डिपार्टमेंट में ही उसका अलग फ्लोर है, उस पर ये HRD अटैशन होता है। और HRD ये सिर्फ हफ्ते में दो ही दिन होता है और एक हफ्ते के बाद में मिलता है। अगर आपको HRD किस तरह से करते वो अगर वीडियो देखना है तो मैंने वो भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो और अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन भी किस तरह से करते हैं वो भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी आपको लास्ट में या इधर आए बटन में आपको दिखेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये HRD में सबमिट करने के बाद में HRD वाला इस तरह का स्टैम्प और साइन करता है। देखो यहाँ लिखा है ऑथेंटिकेट, ये HRD का स्टैम्प, ये और ये ऑफिसर का साइन है, ये HRD होता है। ये HRD होने के बाद में इसको हम लोग को दिल्ली अटैशन के लिए भेजना पड़ता है, मतलब कल्चर में सबमिट करने के लिए। तो कल्चर में सबमिट करने से पहले इसको हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट होने के बाद में ये दो स्टैम्प लगते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और ऑफिसर का साइन होता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होने के बाद में इसको हम लोग को सऊदी कल्चर में सबमिट करते हैं। ये देखो सऊदी कल्चर का स्टैम्प है, ये सऊदी कल्चर का स्टैम्प है, ये सऊदी कल्चर में सबमिट करने के बाद में ये सऊदी कल्चर में हम लोग सबमिट करते हैं। तो ये फिर सऊदी कल्चर से डॉक्यूमेंट वापस आपके यूनिवर्सिटी में चला जाता है, उनके मतलब सऊदी कल्चर और यूनिवर्सिटी के बीच में सीक्रेट करस्पोंडेंस होता है, बोले के डॉक्यूमेंट वापस फीस के साथ DD डाल के आपके डॉक्यूमेंट पूरे कॉपी बना के इनवलप सील करके वो लोग आपके यूनिवर्सिटी भेजते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपने ये अटेस्टेशन किया हुआ फेक है या ओरिजिनल है। फिर ये सबसे बड़ा प्रोसेस है सऊदी अटेस्टेशन में, यही सबसे बड़ा प्रोसेस, यही टाइम लेता है, इसलिए सऊदी अटेस्टेशन काफ़ी बार 2 से 3 महीना तक चला जाता है। ये इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी में जाता है डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी वाले उसको वो ऐसे ही पड़ा रहता है काफ़ी दिन के बाद में, फिर 1-1.5 महीने के बाद में निकालते हैं, फिर पूरा डिटेल आपका वेरीफाई करते हैं, फिर एक लेटर बनाते हैं उसमें पूरा डिटेल वाइज लिखते हैं कि रेगुलर कोर्स है, पूरा पास है, कहीं फेल नहीं है, सब डिटेल्स A to Z लिख के वो लेटर बना के सील करके फिर कल्चर में भेजते हैं। वो कल्चर में भेजने के बाद में कल्चर में वो इनवलप आने के बाद में फिर इनवलप ओपन करके फिर उसको फिर कल्चर देखती है कि फेक है क्या ओरिजिनल है। अगर फेक रहेगा तो आपसे जो एफिडेविट साइन किया है उसके बेस पे आप पे लीगल एक्शन लेगा, अगर आपका जेन्यून निकलेगा तो इस तरह का स्टिकर लगता है। ये होने के बाद में फिर हम लोग को सऊदी एम्बेसी में इसको सबमिट करना पड़ता है। सऊदी एम्बेसी सबमिट करेंगे तो सऊदी एम्बेसी इस तरह से स्टैम्प करके फिर साइन करता है। अभी 6-7 महीना हो गया, अभी सऊदी में अभी अपोस्टाइल चलता है, तो सऊदी अभी एम्बेसी नहीं लगाती है, अपोस्टाइल का स्टिकर लगाती है, जो आप मेरा वीडियो में देख सकते हैं अपोस्टाइल किस तरह से करते हैं। लेकिन सऊदी वो डिजिटल अपोस्टाइल आजकल सऊदी में चल रहा है, तो अगर आपको ये अपोस्टाइल वाला प्रोसेस HRD करके आप अपोस्टाइल जल्दी कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में प्रोसेस आजकल हो रहा है। अगर आप आपके एम्प्लॉयर से उधर बात करेंगे कि नहीं मैं सऊदी अटेस्टेशन नहीं आपको अपोस्टाइल करके दूँ तो चलेगा क्या, तो आपकी अगर आपकी कंपनी बोलेगी हाँ अपोस्टाइल भी चलेगा, तो आप अपोस्टाइल ही करा के लिए, उसमें पैसा भी कम जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो अगर आपको ये अटेस्टेशन अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और अगर आपको ये बेसिकली आपको ये अटेस्टेशन क्यों निकालना करना पड़ता है, क्योंकि ये अटेस्टेशन करने पे ही आपका जो वहाँ का इकामा कार्ड वो बनेगा, वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से ही बनेगा, जब से कि इंजीनियर इंजीनियर प्रोफेशन के हिसाब से आपका बनेगा, और वो बेस पे आप आपके आपके वाइफ को बच्चे को स्पॉन्सर करके वहाँ बुला सकते हैं उनका रेसिडेंट वीज़ा के लिए। इसलिए ये अटेस्टेशन लगता है। लेबर कैटेगरीज के वीज़ा वाले लोग अपने फैमिली को बुला नहीं सकते, क्योंकि उनका सैलरी पेमेंट वो सब कम होता है, तो इसकी वजह से ये अटेस्टेशन करके आप देंगे तो आप उनका वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर अगर आपका वीज़ा निकल जाएगा तो वीज़ा को अगर स्टैंपिंग करना हो, वीज़ा प्रोसेस करना है फैमिली का, बच्चों लोग का, तो हम लोग वो भी करते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको इमिग्रेशन रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड या फिर वीज़ा रिलेटेड न्यू रूल्स आते हैं सऊदी के, आए दिन डेली सऊदी रूल्स चेंज करता है, तो वो रूल्स अगर आपको जानना हो तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू।